हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरा हो चुका है, आपने चैनल को मोनेटाइज में भेजा और आपका चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको क्या क्या सेटिंग्स करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपका चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ है और अगर आप चैनल को मोनेटाइज भी भेजना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और आज सीख लीजिए चैनल मोनेटाइज होने के बाद क्या क्या सेटिंग्स करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप मोनेटाइजेशन के बाद सारे सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। दोस्तों, चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको सबसे पहले इस तरह का एक मेल आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन अप्रूव्ड टू ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। और इस तरह का एक मेल आता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जब क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइड में यूट्यूब चैनल ओपन करोगे, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह का एक पॉपअप आएगा, जिसमें लिखा होगा यू आर नाउ ए यूट्यूब पार्टनर। आप सिंपली स्क्रॉल करके गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दीजिए। आप दोस्तों बात करते हैं आपको क्या क्या सेटिंग्स करना है। दोस्तों, सबसे पहला जो सेटिंग आपको करना होगा वो है वीडियोज़ को मोनेटाइज करना। अगर आप वीडियोज़ को मोनेटाइज नहीं करोगे तो आपका अर्निंग कैसे होगा। वीडियोज़ को मोनेटाइज करने के लिए आप सबसे पहले वीडियो सेक्शन में आ जाइए। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक भी वीडियोज़ मोनेटाइज नहीं है। सारे वीडियोज़ को मोनेटाइज करने के लिए आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, आप टिक कर दीजिए। दोस्तों, टिक करने के बाद आपका एक बार में 30 वीडियो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एडिट में जाके मोनेटाइजेशन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अपडेट वीडियोस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर टिक करके अपडेट वीडियोस पर क्लिक कर दीजिए। अपडेट वीडियोस पर क्लिक करने के बाद आपका सारा वीडियोस मोनेटाइज हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके चैनल पर 30 से भी ज़्यादा वीडियोस है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सारे वीडियो सिलेक्ट करके फिर से वही प्रोसेस करना होगा। उसके बाद जो आपको सेकेंड सेटिंग करना होगा वो है सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स इनेबल करना। इसको इनेबल करने के लिए आप सबसे पहले मोनेटाइजेशन सेक्शन में आ जाइए। उसके बाद लास्ट में आपको सुपर्स का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको 3 बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स पर आप जिस नाम से एडसेंस अकाउंट बनाए हैं उस नाम को डालना होगा। इस बॉक्स पर आपको अपना जीमेल आईडी देना होगा। और इस बॉक्स में अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, तो उस कंपनी का नाम लिखना होगा। और अगर आप किसी कंपनी के साथ नहीं काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको n/a लिखना होगा। तो मैं इन 3 बॉक्स को फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपना जीमेल और यहाँ पर n/a लिख लिया हूँ। तीनों बॉक्स फिल करने के बाद आप यहाँ पर टिक करके एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स 3 ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली तीनों को ऑन कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप इनको बंद करना चाहते हैं, तो आप इनको ऑफ भी कर सकते हैं। इन तीनों को ऑन करने के बाद आपका कोई भी सब्सक्राइबर चाहे तो आपको सुपर चैट, सुपर स्टिकर या फिर सुपर थैंक्स भेज सकता है। फिलहाल मैं इसको ऑन ही रखता हूँ। दोस्तों, मैं जो 2 सेटिंग्स के बारे में बताया हूँ, वो 2 सेटिंग्स आपको मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद तुरंत ही मिल जाता है। अब मैं कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, वो सेटिंग्स आपको मोनेटाइजेशन ऑन होने के थोड़े दिन बाद मिलता है। जैसे कि मेंबरशिप फीचर, एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एडसेंस पिन वेरिफिकेशन, एडसेंस US टैक्स सबमिशन, एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड। मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद आपको ये सेटिंग्स भी करना होगा। इन सारे फीचर्स के बारे में मैं पहले सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट करके ये वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कुछ पूछना है तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।